नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया। भारत के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे पिछले काफी समय से अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं। पिछले कई मैचों में उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं। 2020 न्यूजीलैंड दौरे से लेकर अब तक उनके बल्ले से महज 2 अर्धशतक और 1 शतक निकला है। उनका यही फॉर्म अब भारतीय टीम के लिए सरदर्द बन चुका है, क्योंकि वो लड़खड़ाती भारतीय पारी को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके इसी फॉर्म के चलते अब उन्हें टीम से बाहर करने की बात चल रही है। लोगों का मानना है कि रहाणे को काफी मौके मिल चुके हैं, लेकिन वो अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में 2 खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है जो इस टीम में रहाणे की जगह ले सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम हनुमा विहारी का है, जो चोट के चलते टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि वो लगातार भारतीय टीम के दल का हिस्सा रहे, मगर उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई। ऐसे में रहाणे की फॉर्म को देखते हुए ये अच्छा समय है जब आप इस खिलाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विहारी ने जो आखिरी पारी खेली थी वो साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली थी। उस पारी में विहारी ने चोटिल होने के बावजूद भी भारत को उस मैच में अश्विन के साथ मिलकर हार से बचाया था। आपको बता दे कि विहारी को इंग्लैंड में खेलने का अनुभव भी है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2018 में हुए इंग्लैंड दौरे से की थी। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट में डेब्यू नहीं किया है। सूर्य कुमार यादव एक जोखिम भरा फैसला भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं है। और ऐसे में जहां दिग्गज खिलाड़ी रन के लिए परेशान हो रहे हैं, वहां अनुभवहीन खिलाड़ी को टीम में लेना भारत को दिक्कत दे सकता है। मगर ये भूलना नहीं चाहिए कि सीमित ओवर की क्रिकेट में सूर्य कुमार ने खुद को साबित करके दिखाया है। हालांकि भारत ने साल 2018 के दौरे पर विहारी और पंत को मौका दिया था, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं था, तो इस सोच के साथ सूर्य कुमार यादव को टीम में लिया जा सकता है। बाकी ये कप्तान और कोच पर निर्भर करता है कि वो टीम में किसे जगह देते हैं और किसे नहीं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।